जिला कुल्लू के उपमंडल निरमंड में दुर्गम श्रीखंड महादेव की यात्रा रविवार को शुरू हो गई है। वहीं इस यात्रा का शुभारंभ डीसी कुल्लू तोरुल एस त्रिवेश ने किया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद पहले जत्थे को रवाना किया। पहले जत्थे में 70 श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं दोपहर तक 1100 श्रद्धालुओं को श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि इस बार की यात्रा 14 से 27 जुलाई तक तय की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं डीसी कुल्लू भी बीती शाम को 3 किलोमीटर पैदल चलकर कैंप सिंगार में पहुंचे। उन्होंने सिंगार में श्रीखंड सेवा समिति अरसू रामपुर और हमीरपुर के पंडाल में पहुंचकर भक्तों के साथ शिवारती में भाग लिया और यहां पर सभी तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तों का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। वहीं डीसी कुल्लू ने सभी शिव भक्तों से यात्रा में मादक पदार्थों का सेवन न करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। श्रीखंड की यात्रा आज से शुरू हुई तो क्या कहेंगे और प्रशासन ने इस बार किस तरह के इंतजाम किए यात्रियों के लिए? सबसे पहले मैं श्रीखंड यात्रा की शुरुआत के लिए सभी को और सभी पिलग्रिम जो आए हैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी और होप करूंगी कि आप सेफली इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। ये यात्रा 14 से 27 तक औपचारिक रूप से प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है और इसमें मल्टीपल इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, जैसे कि इस बार जो वेटिंग एरिया है उसको कवर किया गया है, रास्तों को भी ठीक कराया गया और जो जो छोटे छोटे और बड़े सजेशंस हैं उन्हें साथ में लिया जा रहा है। साथ में ही जिला परिषद की तरफ से इस बार एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें कुछ पार्वती बाग को क्लीन किया जाएगा। वहाँ जितना कूड़ा है वो श्रद्धालुओं के माध्यम से ही नीचे लाया जाएगा, जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो सभी को मैं बेस्ट विशेज दूंगी और सभी से आग्रह करूंगी कि इसमें ज़रूर जुड़ें ताकि एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मॉडल बन सके। आखिरी में मैं दोबारा सभी को शुभकामना देते हुए अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने का और जो हेल्थ चेकअप है उसके लिए प्रेरित करूंगी। धन्यवाद।